Now we are going to discuss section 12 of the CRPC. Section 12 is about CJM and ACJM, Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate. In every district the same thing, and you are bound to answer that why the term district is used here. The High Court shall appoint a judicial magistrate of the first class to be Chief Judicial Magistrate. कि हर एक district में High Court appoint करेगा and the appointment shall be, appointment would be mandatory, shall is used. JM first class as Chief Judicial Magistrate. High Court shall appoint Judicial Magistrate first class as Chief Judicial Magistrate. खैर The High Court may appoint any judicial magistrate of the first class to be an additional chief judicial magistrate. Subsection 2. Any judicial magistrate may appoint any judicial magistrate first class to additional chief judicial magistrate. And such magistrate meaning ACJM, such magistrate ACJM shall have all or any of the powers of the CJM under this court or under any other law for the time being in force as the High Court may direct. कि additional chief judicial magistrates की power जो है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बराबर होंगी. सीजेएम एंड एसीजेएम शैल हैव इक्वल पावर्स, शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स अंडर दिस कोर्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम, अंडर दिस कोर्ट सीआरपीसी और अंडर एनी अदर लॉ एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट, जैसा कि हाई कोर्ट आदेश दे, निर्देशित करे, निर्देश दे. सबसेक्शन 3. द हाई कोर्ट मे डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मिनिस्टर ऑफ द फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट. किसी सब डिवीजन में हाई कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को may designate judicial magistrate first class as the sub-divisional judicial magistrate. May designate any judicial magistrate first class the sub-divisional judicial magistrate in any sub-division and in any district CJM or देखिए डिस्ट्रिक्ट की जहां बात थी वो सीजेएम या एसीजेएम एंड इन एनी सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन द सेक्शन एज ओकेजन रिक्वायर्स. और अगर समय की मांग है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव भी कर सकता है. Subject to the general control of the chief judicial magistrate, every sub-divisional judicial magistrate shall also have and exercise such powers of the supervision and control. Supervision and control. ये SDJM सुपरविजन या कंट्रोल की पावर एक्सरसाइज कर सकता है, सेल हैव करेगा, कर सकता है नहीं, सेल हैव करेगा. सच पावर्स ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन द सब डिवीजन. देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप समझिए कि सब डिवीजन में
जो ये सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो बाकी मजिस्ट्रेट्स के ऊपर पावर एक्सरसाइज करेगा, किस चीज की, सुपरविजन की और कंट्रोल की। जैसा कि हाई कोर्ट उसे निर्देश देगा, स्पेसिफाई करेगा बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये एसडीजेएम सुपरविजन या कंट्रोल की पावर बाकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के ऊपर उस सब डिविजन में एक्सरसाइज करेगा। बट इसके ऊपर एक क्वालिफिकेशन है, एंड व्हाट्स दैट क्वालिफिकेशन, कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इस एसडीजेएम के ऊपर जो जनरल कंट्रोल होगा वो किसका होगा? सीजेएम का, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जनरल कंट्रोल के अधीन रहते हुए, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सीजेएम, ये जो एसडीजेएम है ये सुपरविजन और कंट्रोल की पावर एक्सरसाइज कर सकता है बाकी सब डिविजन्स के मजिस्ट्रेट्स के ऊपर। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट सीजेएम इज हैविंग द इक्वल पावर टू द एसीजेएम। एंड द सेकंड थिंग, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल हैव पावर ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑन द अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन दैट डिविजन बट सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सीजेएम। अगर इसका मीनिंग क्या है, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सीजेएम, इसका मीनिंग है कि अगर सीजेएम कोई ऑर्डर पास करता है उन मजिस्ट्रेट्स के लिए, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के अलावा जो डिविजन में मजिस्ट्रेट हैं उनके लिए अगर सीजेएम कोई ऑर्डर पास करता है तो दे शैल बी बाउंड बाय द ऑर्डर ऑफ सीजेएम। लेकिन सीजेएम जब तक किसी मामले में कोई ऑर्डर पास नहीं करता तो तब तक एसडीजेएम की जो पावर है सुपरविजन की, कंट्रोल की, वो अप्लाई होगी। That's the meaning of general control. General control means the final control shall be of CJM. But if any order is passed by SDJM for remaining magistrate, and in that case CJM have passed no order or no order is passed by the CJM, in that case SDJM shall have power of supervision and control. लेकिन जहाँ CJM अपनी power exercise करता है तो उस समय एसडीजेएम को भी सीजेएम की पावर माननी होगी, उसको फॉलो करना होगा। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 12 ऑफ द सीआरपीसी फुली। एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू।